आज की जो C++ की प्रैक्टिकल क्लास है, इसमें हम असाइनमेंट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राइट ए प्रोग्राम C++ टू कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। दो डेट हैं, उनके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब यहाँ पर एक नया वर्ड सुनने के लिए आपको मिल रहा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लास्ट एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग का वर्ड हमको सुनने मिला था, और हमको पता है कि फंक्शन को ओवरलोड करने का मतलब होता है, फंक्शन को ओवरलोड करने का मतलब है कि फंक्शन को ज़्यादा काम देना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपके मोबाइल फ़ोन जो है वो ओवरलोड है, मतलब एक साथ मल्टीपल टास्क करता है वो। कभी कैमरा बन जाता है, कभी फ़ोन बन जाता है, कभी वीडियो प्लेयर बन जाता है, कभी हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं आप उसमें, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं उससे, ठीक है। उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो मल्टीपल हो जाती है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना। यानी कोई अगर आपके पास ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब होता है सिंबल, जैसे प्लस माइनस डिवाइड इनटू, तो ये जो ऑपरेटर्स हैं वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने लगे, ऐसे फीचर को हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को आगे बढ़ाएंगे और इस एग्जाम्पल के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं जैसे बोलूं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल रिलेशनल। तो अगर कोई एक ऑपरेटर है उसका एक स्पेसिफिक काम होता है, जैसे प्लस ऑपरेटर है उसका काम है दो नंबर्स को ऐड करना, 2 + 3, कोई भी दो नंबर आप देंगे तो उसको वो ऐड कर देता है। तो ये प्लस ऑपरेटर का एक निश्चित कार्य है। अगर इससे हम एडिशन के साथ साथ और कोई काम भी कराने लग जाएं, तो ऐसा अगर हो जाए तो फिर इसको बोलेंगे ये ऑपरेटर जो है वो ओवरलोडेड है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी टेलीविज़न जो सेट होता है उसका रिमोट, टेलीविज़न सेट में जो रिमोट होता है उसमें आप देखेंगे कि ना एक बटन होता है जिसको पावर बटन बोलते हैं, एक ही बटन से ऑन भी होता है और एक ही बटन से ऑफ भी होता है। ऑन ऑफ के लिए अलग अलग बटन नहीं है बल्कि एक ही बटन है। तो मैंने रियल लाइफ का जो एग्जांपल दिया कि एक ही बटन से आपका ऑन भी हो जाता है, एक ही बटन से ऑफ भी हो जाता है, तो एक ही बटन एक से अधिक काम कर रहे हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि वहाँ पर ओवरलोडिंग हो रही है। तो वैसे ही अगर मैं किसी भी ऑपरेटर को, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर मैं इसको अपने प्राइमरी टास्क के अलावा कुछ और काम भी करवाने लग जाऊं, तो इसको करवाने के लिए मुझे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो आउटपुट देखने में हमको काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि एक ऑपरेटर एक से अधिक काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि माइनस वाला जो ऑपरेटर है इसको ओवरलोड करना है। तो आपको पता है कि माइनस ऑपरेटर का एक काम होता है कि कोई दो नंबर है उनके बीच में डिफरेंस निकालता है, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालता है। तो 5 - 2 करूंगा तो इन नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, 3। ये इसका प्राइमरी टास्क है, लेकिन दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना ये इसका प्राइमरी टास्क नहीं है। ऐसा होता नहीं है, प्राइमरी टास्क में दिया नहीं गया है, लेकिन हम ऐसा करवा सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके। चलिए हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं और सिंपल कंसेप्ट के साथ इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। मैं सबसे पहले कुछ एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर मैंने लिखा 5 - 2 तो हमको यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा 3, जो कि माइनस ऑपरेटर जो है उसका डिफॉल्ट टास्क है। उसका काम होता है दो नंबर्स को घटाना और उनके बीच का डिफरेंस बताना। लेकिन अगर मुझे दो डेट अगर मेरे पास है, अगर मैं बोलूं कि 5 जनवरी 2050 और एक दूसरी डेट मेरे पास है जो है 1 जनवरी 2050, अगर हमारे पास दो डेट हैं इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो अगर मैं ऐसा
लिखता हूँ माइनस करके, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है आपको पता है कि इनके बीच में 4 दिन का डिफरेंस है। तो जब भी मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो आउटपुट में 4 आना चाहिए। ऐसा टास्क अगर ये माइनस ऑपरेटर परफॉर्म करने लग जाए तो इसको बोलेंगे कि ये ऑपरेटर ओवरलोड है। क्लियर है? तो ऑपरेटर जो माइनस ऑपरेटर होता है उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी में नहीं है कि वो 2 डेट को माइनस कर सके, लेकिन ऐसा हम परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दें। तो इस तरीके का जो परफॉर्मेंस अगर माइनस ऑपरेटर हमारा कर रहा है तो हम बोलेंगे कि माइनस ऑपरेटर ओवरलोडेड है, और ये पॉसिबल है सी प्लस प्लस में जबकि सी में पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि 2 डेट लेना है, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है और ऑपरेटर को ओवरलोड करके करना है सर। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे यहाँ पे देख रहे हैं कि सी प्लस प्लस में कुछ इस तरीके का काम जो है वो हमारा हो सकता है। तो अगर एक अंदाजा लगाइए कि आप सी का प्रोग्राम बना रहे हैं और आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम है और आपके पास 2 नंबर हैं ए और बी, और कितने अच्छे से ए में आप वैल्यू देते हैं 90 और बी में वैल्यू देते हैं आप 50, और फिर ऐसा कर लेते हैं ए माइनस बी और प्रिंट कर देते हैं सी को, और आउटपुट में क्या मिलता है आपके पास 40। क्लियर है? आउटपुट में आपको 40 मिलता है। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही सिंपल परफॉर्मेंस है जो कि 2 नंबर्स पे होती है, और माइनस ऑपरेटर की प्राइमरी टास्क ये है कि 2 नंबर को आसानी से माइनस कर देता है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास 2 नंबर ना हो करके 2 डेट हो, डेट D1 और D2 हो। ठीक है, D1 में मैं ऐसे सिंपल लिख रहा हूँ, D1 में अगर मान लेते हैं हम ये हमारी डेट है कि 5 जनवरी 2050, ये D1 की डेट है। ऐसा सिंपल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा इनिशियलाइज कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पर मेरी जो D2 की डेट है वो 1 जनवरी 2050 है। ऐसा अगर होने लगे और आप यहाँ पर लिखो कि D1 माइनस D2 ऐसा लिख दो, और यहाँ पर इंट आई इक्वल टू ऐसा लिखें और सी आउट में हम लिखते हैं आई, तो हमारे पास आउटपुट में 4 मिल जाए। ऐसा जादू अगर होने लग जाए तो कितना अच्छा लगेगा। 2 नंबर्स को भी माइनस कर दिया माइनस ऑपरेटर ने, यहाँ पर एक और माइनस दिख रहा है और कंफ्यूजन कम कर देते हैं हम लोग। ये माइनस जैसा दिख रहा है, ये हमारी डेट है पहली, ये दो दो, तो 2 डेट को भी माइनस करने लग जाए। हालांकि माइनस ऑपरेटर में ये पॉसिबल नहीं है, ये कोड आप लिखोगे सी में तो नहीं चलने वाला, ऐसा पॉसिबल नहीं है सी में। लेकिन सी प्लस प्लस में ये चीज़ पॉसिबल है कि माइनस ऑपरेटर 2 नंबर्स को तो माइनस करता है, साथ में ये 2 डेट को भी माइनस करने लगेगा क्योंकि इसको हम ओवरलोड कर देंगे। अगर ओवरलोड नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो यही क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2 डेट को माइनस करिए आप और उनके बीच का डिफरेंस निकालिए, और ऐसा करने के लिए आप ऑपरेटर्स को ओवरलोड करिए। तो चलिए हम करना चालू करते हैं। ये जो मैजिक है वो हम सी प्लस प्लस में करने वाले हैं, इसके लिए हम ओवरलोड करेंगे। चलिए अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सी प्लस प्लस में आयो स्ट्रीम कोनियो, 2 हेडर फाइल हमको इंक्लूड करनी पड़ती है, और मैं एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहा हूँ डेट। आपको पता है कि हमको कोई नंबर स्टोर करना है तो हम उसके लिए इंट डेटा टाइप लेते हैं, हमको कोई इस तरीके का नंबर स्टोर करना है तो हम फ्लोट लेते हैं, हमको कोई इस तरीके का नंबर स्टोर करना है तो हम कैर लेते हैं, कैरेक्टर लेते हैं। लेकिन अगर हमको कोई डेट स्टोर करनी है तो इसके लिए कोई डेटा टाइप हमारे पास सी लैंग्वेज में नहीं है। आपको पता है कि डेट को स्टोर करने के लिए कोई डेटा टाइप नहीं है। तो क्या किसी का डेट ऑफ बर्थ, क्या किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्या किसी का डेट ऑफ एग्ज़ाम सी लैंग्वेज में
या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोर नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। हम खुद का एक नया डेटा टाइप बनाएंगे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएंगे, जिसको हम क्लास के थ्रू बनाते हैं। तो आपको पता है कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर पब्लिक लिखेंगे और यहाँ पर हम इंट डी एमएम और वाई वाई ऐसा एक वेरिएबल लेंगे, क्योंकि कोई भी जो डेट होती है वो तीन इंटीजर से मिलके बनी होती है। तो हमने खुद का डेटा टाइप बना लिया और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, void get। गेट फंक्शन क्या करेगा, डेट को इनपुट लेगा। तो इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोड सी आउट एंटर डी डी, यानी कि डेट, और सी इन हम क्या करेंगे डी डी, ठीक है। और वैसे ही एम एम और वाई वाई को भी कर लेंगे। यहाँ पर वाई वाई लिख देते हैं और यहाँ पर एम एम और वाई वाई, ठीक है। तो तीनों डेटा जो है हमने इनपुट लिया और वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके का डेटा टाइप हम बना रहे हैं। अगर ग्राफिकली हम यहाँ पर डिज़ाइन देखें तो ये डेट है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पर डी डी बनाए हैं, एम एम बनाए हैं और वाई वाई बनाए हैं, और गेट नाम का एक फंक्शन है। यहाँ पर डी डी एम एम वाई वाई आप देंगे तो यहाँ पर डी डी एम एम वाई वाई आ जाएगा। अब इनको लेकर के प्रिंट करना है, तो यहाँ पर प्रिंट नाम का या शो नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जो डेट को प्रिंट करेगा, क्लियर है। तो प्रिंट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, या शो नाम का, void शो। तो डेट को प्रिंट करने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है। यहाँ पर मैं डेट को प्रिंट कर देता हूँ, मैं लिखूँगा सी आउट एंड एल डेट इज, ऐसा प्रिंट होगा डेट इज, और उसके बाद क्या प्रिंट होगा देखिए, डी डी प्रिंट होगा, फिर स्लैश प्रिंट करा रहा हूँ मैं स्लैश, फिर एम एम प्रिंट होगा, फिर स्लैश, फिर वाई वाई प्रिंट होगा। तो ये ऐसा प्रिंट हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे ना, इसको मैं अलग से दिखाना चाहूँगा कि कैसे प्रिंट होता है। तो अगर आपकी डी डी की वैल्यू है मान लीजिए 5, तो यहाँ 5 प्रिंट होगा, और उसके बाद ये प्रिंट होगा स्लैश। एम एम की वैल्यू अगर मान लेते हैं 1 है तो ये होगा 1, और उसके बाद फिर से प्रिंट होगा स्लैश। और वाई वाई की वैल्यू 2050 है तो 2050, ऐसा ये डेट प्रिंट होगा। तो इस फॉर्मेट में मैंने इसको बना रखा है, क्लियर है। तो ये मेरा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बन गया डेट, और ये क्या करता है डेट को प्रिंट करता है और इनपुट लेता है। अभी हमने ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया है, तो देखिए अब हम यहाँ पर void main बनाते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि इसमें जो कोड होता है ये क्लास का कोड कोई और करता है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि ये कोड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब आपने ऊपर एक कोड कर रखा है। अब कल्पना कीजिए कि ऐसा होने वाला है, सी एल आर एस सी आर और गेट सी एच। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हम यहाँ पर दो नंबर लेते हैं, इंट ए और बी, दो नंबर ले रहे हैं। अब हम एक नया डेट ले रहे हैं D1 और D2। मैंने पहले भी बताया है कि जो क्लास होती है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है। ये प्राइमरी डेटा टाइप है और ये उनके दो वेरिएबल है। मैंने डेट नाम का एक डेटा टाइप बनाया है और उसके दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ये सेम यही प्रोसेस है जैसे हम इंटीजर बनाते थे। ऐसा करके हम डेट को स्टोर कर सकते हैं, और ये कोड तभी काम करेगा जब हमने ये वाला हिस्सा लिखा C++ में। हमने यहाँ बनाया है उसको, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा। ये जब एक्चुअल वर्क होगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो सोचिए, डेट को स्टोर करने के लिए भी डेटा टाइप हमने बना दिया, नया डेटा टाइप बना दिया। अब इसमें डेट को स्टोर कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूँगा D1.get, डेट स्टोर हो जाएगी। लिखूँगा D2.get, डेट स्टोर हो जाएगी। फिर मैं लिखूँगा D1.show, डेट D1 की जो डेट है वो प्रिंट हो जाएगी, और D2.show लिखूँगा तो D2 की डेट प्रिंट हो जाएगी। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए आपका C का जो प्रोग्राम है कितना अच्छा लग रहा है। दो डेट को इनपुट ले रहे हैं और एक ऐसा डेटा टाइप बना है जो डेट को स्टोर करता है, डेट को इनपुट लेता है और प्रिंट करता है। और आप D1 D2 लिए, D3 D4 D5 D1000 10000 जितना लेना है लीजिए, ऐसे कोई लिमिट नहीं है। जितनी C की लिमिट है उतना इसमें लिमिट होगी।
तो हमने एक नया डेटा टाइप बना लिया जो डेट को स्टोर कर रहा है और साथ ही साथ उसको प्रिंट कर रहा है। तो चलिए इसको पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद हम ओवरलोड करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, हम इसको सी में ओपन करेंगे, इसलिए हमारा जो CPP वाला फोल्डर है उसी में डायरेक्ट हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर P3 लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा ये थर्ड प्रोग्राम है और यहाँ पर CPP देना जरूरी है क्योंकि C++ का प्रोग्राम है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब सीधा हम लोग अपने C++ के प्रोग्राम पर जंप करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले फाइल में हम जाएंगे और ओपन करते हैं हमारा CPP। P3 को ओपन करते हैं हम। ये हमारा प्रोग्राम जो है वो ओपन हो चुका है। तो आप देखेंगे कि सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है जो वहाँ पर अभी बनाया था। और कितना अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम देख करके कि हमारी दो डेट को स्टोर किया जा रहा है और उनको प्रिंट किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले कंपाइल करके देखते हैं कि ये उसमें कुछ एरर है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि कंपाइलेशन में बिल्कुल भी एरर नहीं है, यानी ये प्रोग्राम रन होने के लिए तैयार है। रन करते हैं। अब देखिए हमारा प्रोग्राम सबसे पहले पूछ रहा है एंटर DD, तो मैं पहली जो डेट थी 5 जनवरी 2050 सेम डेट डालूंगा। तो DD में दिया मैंने 5, मंथ में दिया 1 और यहाँ पे दिया 2050। ठीक है, फिर पूछ रहा है DD यानी कि सेकेंड डेट पूछ रहा है, तो मैं दूसरी डेट दूंगा 1 जनवरी 2050। तो मैं यहाँ पे लिखा 1 1 और 2050 मैंने लिखा, दो डेट दे दिया। अब देखिए दोनों को प्रिंट कर दिया उसने, डेट इज 5 1 2050 और 1 1 2050। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो भी काम किया इसमें अभी तक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कुछ भी हिस्सा हमने परफॉर्म नहीं किया है। हमने दो डेट बनाई हैं D1 और D2, दोनों को इनपुट किया और दोनों को प्रिंट कर दिया। ऐसा करने के लिए हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यहाँ पर बनाए हैं। ये कोड जो हुआ है उसकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि सी के जो डेवलपर्स हैं अब डेट को स्टोर कर सकते हैं। हमने नया डेटा टाइप बना दिया C++ में, अब सी के डेवलपर जो हैं वो इस तरीके का कोड कर सकते हैं। लेकिन अब हम अपने टास्क पे आते हैं, हमको इन दोनों डेट का डिफरेंस चाहिए, दो डेट का डिफरेंस चाहिए। तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं लिखूँ इंट आई और आई को मैं डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ आई इक्वल टू D1 - D2, ऐसा करना चाहता हूँ। तो दोनों डेट के बीच में दो भी डिफरेंस होगा, उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा आई और ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं कि डिफरेंस इक्वल टू दिस। तो ये प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक दो डेट के बीच में यहाँ पर जो डिफरेंस है वो माइनस ऑपरेटर निकाल सके, माइनस ऑपरेटर ये काम कर सके। लेकिन अभी फिलहाल इस कोड को रन करूँगा तो एरर आएगा क्योंकि हमने ओवरलोड नहीं किया है। देखिए यहाँ पर एक एरर आ गया है और उसी लाइन पर आया है, इलीगल स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन, इस लाइन पर और एरर आया है और माइनस के पास ही आया है। ऐसा अलाउड नहीं है सी में जब तक आप ओवरलोड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये टास्क को परफॉर्म करना है तो हम इसको ओवरलोड करेंगे। अभी ओवरलोड करने के लिए क्या करना है, ऊपर फिर इसमें जाएंगे। अब नीचे का मेन वाला कोड हम चेंज नहीं करने वाले, सिर्फ ऊपर यहाँ पर ओवरलोडिंग करेंगे। ओवरलोडिंग करने के लिए नियम क्या होता है, सबसे पहला तो यह जो गेट और शो बना हुआ है यहाँ पर वही चीज़ यहाँ यूज़ हो रही है। अब देखिए यहाँ पर गेट क्यों लिखे और यहाँ पर शो क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ ऊपर में ये चीज़ बनी हुई है। अगर यहाँ पर गेट के बदले कुछ और लिखा होता तो नीचे मेन में भी कुछ और लिखा होता। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑपरेटर को ओवरलोड करूँगा। ऑपरेटर को ओवरलोड करने का नियम, सबसे पहला ऑपरेटर नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑपरेटर और जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उसको लगाते हैं और उसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं, ये ऑपरेटर ओवरलोड हो गया है। अब ऑपरेटर ओवरलोड होने के बाद अगर मुझे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना होता तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लिखा होता है ऐसा। ठीक है, मुझे कुछ और ऑपरेटर को ओवरलोड करना होता जैसे इंक्रीमेंट को, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए ऐसा लिखा होता, लेकिन मुझे माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है इसलिए ऐसा लिखना है। अब ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए आप ध्यान से देखिए, ये बाइनरी ऑपरेटर है, माइनस के पहले भी कुछ रहेगा और बाद में भी कुछ रहेगा, बीच में माइनस रहता है। तो हमेशा जो पहला वाला वैल्यू है वो यहाँ रहेगा, यानी कि D1 यहाँ रहेगा
और डी टू यहाँ रहेगा। ये इसका सिंटेक्स है, यानी कि ऑपरेटर माइनस लिखने के बाद आगे जो वैल्यू है और पीछे जो वैल्यू है वो ऐसे लिखी जाती है, डी वन और डी टू। ठीक है, तो डी वन को हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं, सिर्फ डी टू को लेंगे क्योंकि डी वन को सेल्फ मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो ऐसा किया जाता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पर करके देखते हैं, और यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न कराई जाती है, तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है डिफरेंस जो होगा वो इंटीजर में होगा और इसके अंदर एक डेट एक्स होगी। तो ये एक्स जो है वो डी टू का काम करेगा। क्लियर है? यहाँ पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, इसको एक दो बार समझना पड़ता है। बस इस फंक्शन को समझ जाएं तो आपको नीचे का टास्क आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू बनाता हूँ, मान लीजिए मैं लिखा इंट जेड। अब हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो डिफरेंस जो है वो एक्स में जो ईयर आया है उसका जो हम माइनस करेंगे वाई वाई से, यानी कि जो डी टू और डी वन में जो भी हम माइनस कर रहे हैं, या डी वन से डी टू में जो भी माइनस कर रहे हैं, वैसे भी कर सकते हैं एक्स डॉट यहाँ पर हमारा ईयर और जो आया हुआ डी वाई वाई मतलब होता है डी वन। मैं आपको पहले ही बताया हूँ, पहले जो रहेगा वो डी वन है और वो बाद में जो है वो डी टू, दोनों का जो ईयर है उनको माइनस करेंगे। अगर मान लो एक साल का अंतर है तो उसको हम क्या मानेंगे, 365 दिन मानेंगे, इंटू 365 ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये ईयर का डिफरेंस निकल गया। प्लस अब अगर मंथ का डिफरेंस निकालते हैं, mm माइनस एक्स डॉट mm, मंथ में जो डिफरेंस है उसको इंटू करेंगे 30 से क्यों कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं पूरा महीना जो है वो 30 दिन का है। प्लस dd माइनस एक्स डॉट dd, तो ये हमारा डिफरेंस जो है वो निकल गया साइड में। ये जो इक्वेशन लिखा गया है बहुत ही सिंपल है, पहले दो डेट का डिफरेंस निकाले, फिर उसमें मंथ का डिफरेंस निकाले और इंटू थ्री कर दिए। जैसे दो महीने का डिफरेंस है तो 60 दिन हो जाएगा, ठीक है, और उसको डेट में प्लस कर दिए। फिर ईयर का डिफरेंस निकाले और उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दिए, तीन साल का डिफरेंस है तो 365 इंटू थ्री हो जाएगा, और फिर उसको जेड में कर दिए और उसको रिटर्न कर दिए। रिटर्न कर लो आप इसको, रिटर्न जेड। ये हमारा जो मुश्किल से 4 से 5 लाइन का कोड है, ये केवल इसका सिंटेक्स समझने भर की देरी रहती है, सिंटेक्स समझने में ही काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। जैसे ही मैंने ये कोड इसमें ऐड कर दिया तो अब देखिए यहाँ पर ये जादू होना चालू हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है, माइनस ऑपरेटर को एक एडिशनल काम दे दिया है कि दो ऑपरेटर दो डेट के बीच के डिफरेंस निकालिए। तो अभी थोड़ी देर पहले जो इस लाइन पे एरर आ रहा था वो एरर आना बंद हो जाएगा। अब हम इसको सबसे पहले कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर है क्या, तो बिल्कुल भी एरर नहीं है, वो जो एरर था वो दूर हो गया क्योंकि हमने C++ का यूज़ किया। अब सी के डेवलपर्स जो है दो डेट को स्टोर कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे और उनके बीच का डिफरेंस भी निकाल पाएंगे। तो इसको रन करते हैं, तो देखिए पहला डेट मैं सेम दे रहा हूँ 5 जनवरी 2050, तो DD में दिया मैंने 5 जनवरी के लिए 1 और यहाँ पे दिया 2050। अब दूसरा डेट मांगेगा, ये DD में दिया मैंने 1 जनवरी के लिए 1 और 2050। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो पहले दोनों डेट प्रिंट होगी और उसके बाद डिफरेंस प्रिंट होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस इक्वल टू 4, तो आप जो भी डेट देंगे, ऐसा नहीं है कि 5 जनवरी दिया, मैंने 10 जनवरी दूंगा और 1 जनवरी दूंगा तो 9 आएगा आउटपुट। इसको भी देखिए, मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर मैंने डेट दिया 10 जनवरी 2050 और दूसरी डेट दिया 1 जनवरी 2050। गड़बड़ी हो गई। अब इनके बीच में आप देखिए तो जो डेट का डिफरेंस है वो आया है 9, और यही हम करना चाहते थे कि ऑपरेटर को ओवरलोड करा दिए और यहाँ पर देखिए बिल्कुल दो नंबर्स की तरह डेट ऐड हो रहे हैं, डेट डिफरेंस डेट के बीच में डिफरेंस निकाला जा रहा है, डेट माइनस हो रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं था सी में, डेट को स्टोर करने के लिए कोई डेटा टाइप नहीं था, उनको इनपुट करने के लिए प्रिंट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, हमको उनको माइनस करने की भी कोई मैकेनिज्म नहीं थी, लेकिन हमने इसको ऐसा कर दिया। सी के डेवलपर्स को अब फायदा होगा, सी के डेवलपर्स अब डेट को इनपुट ले पाएंगे, डेट को प्रिंट कर पाएंगे, डेट का डिफरेंस निकाल पाएंगे,
ऐसा जादू या इतनी सारी फैसिबिलिटी सी के डेवलपर्स को मिली? क्योंकि सी प्लस प्लस के डेवलपर्स ने एक नया डेटा टाइप बनाया, नया डेटा टाइप या नया सांचा बनाया, जिसमें उसने क्लास और कुछ कोड कर दिया। अब एक बार कोड कर दिया तो सी के सारे डेवलपर्स जो हैं वो इस क्लास को उनकी लाइब्रेरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो सी के सारे डेवलपर सब नए डेटा टाइप के बारे में जानने लगे जिसको हमने अभी बनाया है। और इसमें साथ साथ हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व किया।